हर देश की स्पेस एजेंसीज ग्रहों की खोज और उनकी जानकारी इकट्ठी करने में लगी रहती है, लेकिन आज के समय में अधिकतर देशों की स्पेस एजेंसी का ध्यान मंगल ग्रह की तरफ ज़्यादा है। जैसे यूएसए, रशिया, चाइना, जापान, यूएई और हमारा भारत, ये सभी देश मंगल ग्रह पर जीवन खोजने की तलाश में लगे हुए हैं। और अब जाने कितने सैटेलाइट्स और रोवर्स मंगल ग्रह की तरफ इन देशों द्वारा भेजे गए हैं। जाने कितने ही ट्रिलियन डॉलर्स मंगल ग्रह के इधर उधर घूम रहे हैं और कितने नष्ट हो गए हैं। मंगल ग्रह की ज़मीन पर सबसे पहले रशिया के दो रोवर पहुंचे थे 1971 में, जो उतरते ही बर्बाद हो गए थे। लेकिन रशिया के तीसरे रोवर ने पहली बार मार्स की ज़मीन को छूकर एक इतिहास रच दिया, लेकिन 20 सेकंड बाद ही उसके भी सिग्नल गुम हो गए। लेकिन ये बहुत बड़ा स्पेस जगत में कदम था जिसने बहुत बड़ी छलांग लगाई। ये स्पेस जगत की दुनिया में बहुत बड़ा काम था। इस काम ने दूसरे देशों का ध्यान भी मंगल ग्रह की तरफ खींचा। साल 1976, यूएसए का पहला रोवर वाइकिंग 1, जिसने लगभग मंगल ग्रह के ऑर्बिट के 1485 चक्कर 4 साल तक लगाए और उम्दा जानकारी मंगल ग्रह के बारे में बताई, जिस कारण से यूएसए स्पेस एजेंसी को मंगल ग्रह पर जीवन होने के आसार लगे। फिर साल 1997 में नासा ने सफलतापूर्वक 10 किलो के एक रोवर को मार्स की ज़मीन पर उतारा, जिसने सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की मिट्टी और पत्थरों के बारे में जानकारी नासा को उपलब्ध करवाई। लेकिन इन मिशन के बारे में नासा ने काफ़ी मिशन किए जो कुछ सफल रहे और कुछ असफल रहे। लेकिन अब तक पूरी दुनिया में 39 मार्स मिशन हो चुके हैं, जिनमें से 12 ही सफल हुए हैं। वह देश है यूएसए, रशिया, इंडिया और यूरोपियन स्पेस एजेंसी। हमें भारतीयों को अपने वैज्ञानिकों पर नाज होना चाहिए, जिनकी वजह से भारत भी स्पेस की इस दौड़ में आगे है। भारत वह पहला देश है जिसने अपने एक बार के प्रयत्न में मंगलयान को मंगल ग्रह के ऑर्बिट में मिला दिया। इस मिशन की कॉस्ट आज तक के सभी मंगल ग्रह मिशन से आधी थी। इसरो द्वारा सफलतापूर्वक इस मिशन को अंजाम तक पहुँचाया गया। शायद आने वाले समय में इसरो और भी सफलतापूर्वक मिशन को अंजाम देगा।